दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये फ़ोन है, इसके फीचर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में, टॉप 5 फीचर्स के बारे में जो कि इस फ़ोन को सबसे यूनिक बना देते हैं। ए सीरीज़ के कुछ फ़ोन से आप लोग अगर इसको कॉम्पिटेट करेंगे तो भी ये फ़ोन जीतने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फ़ोन को लेना चाहते हो या लेने का सोच रहे हो तो आप लोगों के ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला फीचर है इसका जो यूनिक फीचर वो है सैमसंग एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि कुछ स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है सैमसंग के स्मार्टफोन में, लेकिन ये एम सीरीज़ का इकलौता फ़ोन है जिसमें कि आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलता है। सुपर एमोलेड नहीं मिलता, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि सुपर एमोलेड से भी अच्छा डिस्प्ले है। तो एम सीरीज़ का ये फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें कि आपको ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलता है। तो ये फीचर काफ़ी अमेजिंग है। और जो फिफ्थ फीचर है उसको तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वो सबसे इसका मेन फीचर होने वाला है। सो दोस्तों अगर आप लोग गेम खेलते हो तो ये सेकंड फीचर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें आपको एक्सोनोस की कोई चिप देखने को नहीं मिलती है। एक्सोनोस की जो चिप होती है वो थोड़ी वीकर होती है, मतलब उसमें जो आप लोग गेम खेलते हो तो वो थोड़े लैग वैग करने लग जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप लोग कोई हेवी गेम पे खेलते हो, एस पाल की भी अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो वो भी इस फ़ोन में गेम आसानी से चल जाएगा। सैमसंग क्या करता है, आपके जो मिड रेंज स्मार्टफोन या फिर कुछ तो फ्लेक्सी स्मार्टफोन है उसमें भी वो अपनी एक्सिनोस की जो चिप होती है वो देता है, लेकिन वो थोड़ी स्नैपड्रैगन के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर होती है। दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन की जो 730G का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों थर्ड फीचर है कैमरे के ऊपर, तो इसमें आपको 64MP का क्वाड रियर सेटअप मिल जाता है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में मिलता है और आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में भी ये देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें आपको फ़ोटो मिलने वाली है। लोग क्या करते हैं कि 64MP को देख लेते हैं कि MP कितने है, तो इसमें आपको सेंसर भी बता देता हूँ, इसमें आपको सोनी का सेंसर मिलता है। सो दोस्तों इसमें आपको सोनी का IMX82 का सेंसर देखने को मिलता है जो कि इसमें आप लोग अगर फोटोग्राफी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी फ़ोटो क्लियर आने वाली है। सो दोस्तों फोर्थ नया फीचर है इसका, सबसे मेन फीचर है, तो वो है इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मैंने तो फ्लेक्सी स्मार्टफोन में भी 7000 mAh की बैटरी कभी देखी नहीं थी और ये आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों अगर आप लोग हेवी गेमिंग भी करते हो या फिर हेवी फ़ोन यूज़ करते हो तो भी आपका जो फ़ोन है वो 3 दिन तो आराम से चल ही जाएगा, और अगर आप लोग नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते हो तो 4 दिन तक आप लोगों को चार्ज लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 7000 mAh बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटरी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिफ्थ मेन फीचर के बारे में। तो फोर्थ फीचर था वो सबसे मेन फीचर था, फिफ्थ फीचर है वो भी मेन फीचर है जो कि नॉक सिक्योरिटी। सैमसंग के जो ए सीरीज़ के स्मार्टफोन है, नोट सीरीज़ और ए सीरीज़ के स्मार्टफोन है उनमें आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये एम सीरीज़ का फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें कि आपको नॉक सिक्योरिटी के जो नंबर्स होते हैं जिसका वर्जन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को नॉक सिक्योरिटी के बारे में पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एडवांस लेवल की सिक्योरिटी होती है जो कि आपको सैमसंग स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 5 फीचर्स बताने की कोशिश की सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके की न्यूज़ आपको चैनल पर मिलती रहती है। और दोस्तों अगर आप लोग कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर कोई बात करनी है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से पर्सनली बात कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।